तो आज की हमारी क्लासेस में हम एनालिटिक्स के बारे में बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं हम एक ऑटोमेशंस के बारे में कि किस तरह से हम ऑटोमेशंस करेंगे। तो ऐसे चीजें तो बहुत सारी है, कुछ ऐसी ऑटोमेशन मैं करना चाहता हूँ ताकि आप समझ पाए। तो ऑटोमेशंस में हम बात कर रहे हैं अटेंडेंस की। तो जब हम फॉर्मेटिंग क्लास पढ़ रहे थे होम एनवायरमेंट, हमने फॉर्मेटिंग की कुछ ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग के कुछ एक प्रोजेक्ट बताया था, कुछ चीजें बताई थी, चलिए उसी को हम कंप्लीट आज करते हैं। तो मैं सबसे पहले तो एक ऑटोमेटिक फॉर्मेट तैयार करूंगा, देन हम तैयार करेंगे ऑटोमेटेड अटेंडेंसी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे मंथ देता हूं और यहाँ पे एम्प्लॉई कोड नेम डिपार्टमेंट देना है तो डिपार्टमेंट दे दीजिए, डेट ऑफ ज्वाइनिंग और फिर यहाँ पे मैं जैसे मैंने जुलाई का बनाना है तो हम यहाँ पे जुलाई का डेट दिए और इसमें प्लस वन करके हम आगे तक ड्रैग कर देते हैं। 31 जुलाई आ गया, लेकिन ये तो जुलाई है इसलिए 31 आया ना, लेकिन ऐसा हो सकता है कि जुलाई ना हो जून हो वो तो 30 होगा। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे जून का डेट डालता हूँ तो जून का डेट डालते अब देखेंगे कि एक जुलाई आ गया। फरवरी का डेट अगर मैं डालूंगा यहाँ पे मान लीजिए फरवरी, तो आप यहाँ देखेंगे कि फिर ये 3 मार्च आ गया। तो सबसे पहले तो इसको ऑटोमेट करना है ताकि जो हम डालें वही आना चाहिए। हमें पता है कि 28 तक को डेट होता ही होता है, 29, 30, 31 को हमें फॉलो करना है। तो यहां पे सिंपल हम इफ का फॉर्मूला देंगे कि इफ और देंगे कि ये जो प्लस वन किया है क्या वो ग्रेटर देन है कि वो मंथ, और इसको सिलेक्ट करके कॉमा हमने जीरो दे दिया। अगर ऐसा है तो ब्लैंक कर दो, अदरवाइज जो प्लस कर रहे थे उस प्लस को कंटिन्यू करो। और इसमें एरर के चांसेस हैं तो हम क्या करेंगे यहाँ पे इस एरर का फॉर्मूला लगाएंगे और बोलेंगे कि भाई ब्रैकेट पे ए कर दे, एरर आने पे ए कर ब्लैंक में कन्वर्ट कर दे। तो यहाँ पे हमने मान लीजिए कि अगर जून का डेट डाला तो देख सकते हैं कि यहाँ पे फॉर्मूला लगा है लेकिन ब्लैंक कर दे। अगर ऐसे मैं फरवरी का डेट डालता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे 28 के बाद ए हमारा ब्लैंक, ठीक है। ये फॉर्मूला समझ में आ गया सबको, कोई डाउट है इसमें? जी सर समझ में आ गया। आ गए। अब मुझे संडे मंडे भी चाहिए, तो टेक्स्ट फॉर्मूले की मदद से हमने इसको सिलेक्ट किया और डी 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 लगाया और यहाँ पे सैटरडे संडे हमारा आ गया। लेकिन थोड़ा बड़ा है ना ये, तो हम क्या कर रहे हैं कि यहाँ 2-3 कॉलम को लेके मर्ज करके इक्वल हम इस डेट को सेलेक्ट कर रहे हैं और इसमें हम क्या करेंगे कस्टम में यहाँ हम आते हैं MMM/YY और फिर बाकी सबको सेलेक्ट करके कस्टम फॉर्मेटिंग पे जाते हैं और यहाँ पे हम कर देते हैं DDDD। फिर पूरी सीट को सेलेक्ट करके मैं डबल क्लिक करता हूं तो क्या हो जा रहा है ऑटोफिट हो जा रहा है, ऑटोफिट हो गया। अब इसको सेलेक्ट करते हैं और हम इसके एक बॉर्डर ले लेते हैं अपने हिसाब से, तो ये नंबर एक क्योंकि एम्प्लॉई को दोबारा दे देता हूं। ओके अब पूरे डेटा को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे फिल्टर करें, नहीं पूरे को नहीं करेंगे हम 28 तक को करेंगे। सर मेरा एक क्वेश्चन था, पूछिए। ये डेट ऑफ जॉइनिंग में आपने जैसे जैन लिखा है और मतलब और ऊपर में जो ये मंथ जुलाई वाला है, तो दोनों में क्या डिफरेंस होएगा? डेट ऑफ जॉइनिंग किस बंदे ने कब ज्वाइन किया है, और ये तो अटेंडेंस है ना। अच्छा अटेंडेंस शीट हो गई, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ना।
अब मैं यहाँ पे आता हूँ न्यू रूल्स पे। यहाँ पे हम यूज फॉर्मूला और इस फॉर्मूला, यहाँ पे यूज फॉर्मूला और यहाँ पे हम बोलते हैं कि जो डेट है वो नॉट इक्वल टू ब्लैंक होना चाहिए। और इसमें से एजी क्या आएगा, डॉलर साइन हटा दिया, फॉर्मेट में गए और फॉर्मेट में जाने के बाद मैंने इसको बॉर्डर लगा दिया बॉर्डर। इससे क्या होगा कि जितना दिन का आपका डेट होगा ना उतना ही दिन आपका बॉर्डर आएगा। ठीक है, जैसे मैं यहां पे अगर जून का डेट डालता हूं तो देख सकते हैं हट गया, बट ये फॉर्मेटिंग एक चिल्ल गई यहां पे और इसके कारण रीजन ये है कि हमने जो फॉर्मेट प्रिंटर कर दिया है ना इस कारण से, तो यह फॉर्मेट प्रिंटर नहीं करना चाहिए था, हमें यहाँ पे करना चाहिए था डीडी। अब यहाँ पे अगर मैं एक जून देता हूं तो देखिए हट गई फॉर्मेटिंग सर। जी सर हट गए सर, एक एक बार वापिस बताइए ना क्या फॉर्मेटिंग वाली। हाँ हमने कुछ नहीं किया, हमने यहाँ पे कर्सर रखा और कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स में यूज फॉर्मूला पे गया और सीधे बोला कि ये जो हमारा डेट है ना डेट ब्लैंक नहीं होना चाहिए, अगर ब्लैंक और नहीं है तो इसमें आपका बॉर्डर अप्लाई कर दो, ब्लैंक अगर है तो कुछ अप्लाई नहीं कर, समझे। ब्लैंक क्यों किया, क्योंकि आप यहाँ देख पा रहे हैं ना कि यो मंथ अगर 31 से बड़ा होगा तो ब्लैंक कर देगा, ठीक है, समझ में आया कि नहीं सर। मतलब जैसे कि ब्लैंक है तो कुछ अप्लाई ना करे और ब्लैंक नहीं है तो फॉर्मेट अप्लाई करे, अगर ब्लैंक है तो बॉर्डर अप्लाई ना करे, ठीक है, ठीक है। अब इसमें आगे आता है कि मैं चाहता हूं कि सैटरडे संडे होने पे कलर रेड हो जाए, तो इसके लिए हम यहाँ पे करेंगे न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला इक्वल और देंगे और में हम सेलेक्ट करेंगे अपना ये वाला कि अगर ए इक्वल टू सैटरडे, ठीक है, कॉमा अगर ए यहाँ पे अगर ए इक्वल टू संडे, लेकिन हमें ई क्या आएगा जो डॉलर साइन है वो यहां से रिमूव करना है। फॉर्मेट प्रिंटर पे आते हैं और हम चले जाते हैं कलर पे फिल कलर और यहां से ओके एंड ओके और फिर फॉर्मेट प्रिंटर से हम इसको पेंट कर देते हैं। बट पेंट करते इसे सैटरडे हो रहा है संडे नहीं हो रहा है, तो एक बार हम देखते हैं कि हमें क्या गलती है। सैटरडे लगा है सर, नहीं है संडे। अच्छा हमने ई सिक्स कर दिया है, माफ कीजिएगा, एक बराबर में बोल रहा है ई फाइव होना चाहिए था। ई फाइव होना चाहिए ना, हाँ ई फाइव। अब यहाँ से फॉर्मेट प्रिंटर में, ठीक है, अब मान लीजिए जून का डेट डालता हूं मैं, इस बॉर्डर देख रहे हैं आपका बॉर्डर हटा हुआ है, तो हमने वो जो फॉर्मेट पेंटिंग की थी ना इस कारण से, इसमें नो बॉर्डर कर दीजिए, ये प्रॉब्लम होगी बार बार से सही करना पड़ेगा, इसलिए ये बाद में लगाते हैं। अब मेरे पास एक होलीडे लिस्ट है, ठीक है ना, कि किस किस दिन को छुट्टी हुई है, 1 जनवरी को, 14 जनवरी को, 26 जनवरी को, 2 फरवरी को, 17 मार्च को, 14 अप्रैल को, 30 जून को, नहीं 3 जून कर देता हूँ, जुलाई कर देता हूँ, ठीक है,
तो अब या मैं चाहता हूँ जैसे तीन यहाँ पे दिख रहा है आपको 3 जुलाई और 6 जुलाई है ना, तो 3 जुलाई और 6 जुलाई को क्या होना चाहिए, इसका कलर ग्रे हो जाना चाहिए। तो कैसे करें, तो हमारे पास एक काउंट इफ्स का फॉर्मूला है, काउंट इफ्स, और हम जाते हैं सिलेक्ट करते हैं फुली रिलेस्ट, और यहां हमने सेलेक्ट कर लिया इसको, फिर वापस एज को सेलेक्ट करेंगे और बोलेंगे कि ए ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, अब ग्रेटर देन 0 क्यों लगाया, क्योंकि ए जैसे कि यहाँ पे ब्लैंक है ना, ये आपका जो ब्लैंक है दिख रहा है आपको सर, जो ब्लैंक होता है यहाँ पे, तो उसको भी काउंट ब्लैंक टू ब्लैंक को काउंट कर लेता है। जैसे कि अगर आपका ब्लैंक है, आप यार काउंट इफ का फॉर्मूला लगाइएगा और इसको बोलिएगा कि भाई इसमें ब्लैंक को काउंट करो, तो देखिए 10 लाख आ गया, क्योंकि जो ब्लैंक सेल्स है उसको काउंट कर लेता है। इसलिए मैंने काउंट इफ फॉर्मूले में बना बताया कि भाई ए कॉलम में E16 जो हमारा है, E6 को काउंट करना है, लेकिन ध्यान रहे कि ग्रेटर देन 0 पे। तो जैसे सैटरडे हुआ ना, सैटरडे पे अब मैं इसको आगे फ्रीज करना है, तो मैं इसको कर देता हूँ और E6 का 6 फ्रीज कर देता हूँ। अब यहाँ देखिएगा कि जो सैटरडे संडे है ना, वहां पे जो छुट्टी जहाँ हॉलीडे है वहां 1 आ गया, ठीक है ना सर, 1 आ गया ना। अब इसी फॉर्मूले को हम कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद जाते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के न्यू रूल्स, यूज फॉर्मूला और यहाँ पे इक्वल। अब कहते हैं कि इसका रिजल्ट जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हमें क्या करना है, एक अलग फॉर्मेट हमने सिलेक्ट कर लिया, वो अप्लाई कर, और फिर यहाँ फॉर्मेट प्रिंटर से आप पूरे को पेंट कर देंगे। हो गया सर, अब यहाँ भी आ गया ना, तो इसको जो है 29, 30, 31 को मैनुअली रिमूव करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम हर बार आ गई सर। ठीक है, तो छुट्टी आ गई यहाँ पे, हर महीने का जो हॉलीडे होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। क्या सर, कि मैं यहाँ पे 6, यहाँ पे मान लीजिए 1/6 किया, तो 3 और 9 जून है, देखते एक बार, हाँ 3 जून और 9 जून है, 3 जून है क्या, ऊपर पे ऊपर 3 जून है ना। ठीक है सर, क्लियर है सर, तो लेकिन 9 जुलाई है ना, 9 जून तो नहीं है शायद, उधर वाला आपको जो एच और जो शीट है, अच्छा 9 जून है, जी 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 ठीक ठीक है। अब मैं इसको वापस जुलाई कर देता हूँ, ठीक है, एक थोड़ा स्लो पे हो गया है, मुझे लग रहा था स्लो हो गया, ये काउंट टिप्स लगने से लग रहा है स्लो हो गया। काउंट टिप्स स्लो नहीं होता, तो ये फॉर्मेटिंग बन गए, इसमें आप चाहो तो ये कर सकते हो कि यहाँ पे कि इक्वल टू, अगर इक्वल टू L होता है, अगर L आए तो कोई और कलर कर दे, ठीक है। सर मेरे पास की आवाज आ रही है, स्क्रीन तो बाद में दिखाई देती है सर, आपकी इंटरनेट में प्रॉब्लम है, मेरे तरफ से प्रॉब्लम होता है, सबको प्रॉब्लम होता है। मुझे यहाँ पे इस फॉर्मूले को रिमूव करना होगा, इस काउंटिंग का फॉर्मूला सिस्टम को स्लो कर रहा है। अब इसके लिए क्या करेंगे कि यहाँ पे हम ये जो स्पेस है इसको इक्वल करेंगे, स्पेस करेंगे और फिर आगे की तरफ इसको ड्रैग कर देते हैं।
कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर में जो हमने नॉट इक्वल टू ये किया हुआ है ना ब्लैंक, उसको स्पेस करना है। फिर इसमें हमने तो देना है ना काउंट का फॉर्मूला देना है, काउंट इफ्स जो है दिक्कत कर रहा है। इसमें हमें ए बाई ए करना, इसको फ्रीज कर देते हैं, ई सिक्स का ई फ्रीज होगा। और इसको अब हम लाते हैं यहां पर, रखते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग न्यू रूल्स यूज फॉर्मूला, यहां बेस करते हैं, बोलते हैं जब इक्वल टू वन हो तो लग दिया। फिर फॉर्मल टेंडर लेते हैं और इसको प्रिंट कर देते हैं। अब हैंग नहीं हुआ ना, हैंग नहीं हुआ लेकिन हाईलाइट भी तो नहीं किया। काउंट इज एच ए बाय ए कॉलन कॉमा ई सिक्स is greater than equal to 1। anything sir ek count if se ke if se if hi sirf if lagate hain yahan pe 0 kya aa raha hai july hai isko ye le lo ek saath ओ सॉरी हमने उल्टा कर दिया सर, हमें ई को नहीं सिक्स को फ्रीज करना चाहिए था। आ गया सर, अब आ भी गया साथ में फास्ट भी चल रहा है, तो हमें फॉर्मूला लगाते समय ये भी देखना होता है कोई फास्ट तो नहीं चल रहा है, स्लो तो नहीं चल रहा है। अब बात आती है इसमें कि हम कैसे इसके अंदर हरे लीव्स, तो मैंने यहाँ पे हमने बोल दिया कि अटेंडेंस, तो अटेंडेंस में लीव का रिकॉर्ड हम बना रहे हैं, ठीक है, किस किस दिनों लीव दिया आज। तो यहाँ पे हमने यूआईडी एक यूनिक आईडी बनाना है, और यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी ई कोड, और यहाँ पे हमारा नेम, और किस डेट को और अटेंडेंस क्या है, ठीक है। जैसे कि एम्प्लॉय नोड नंबर वन, ये वन नंबर वन देते हैं, इसका जो नेम है वो डेट हमारा इस सीट से आ जाना चाहिए, तो कॉमा टू कॉमा जीरो नेम रहेगा तो ठीक रहेगा। और इसको हम इफ एरर लगा के नीचे तक ड्रैग कर देते हैं, क्योंकि नेम से क्या होगा कंफर्मेशन हो जाएगी कि हाँ भाई हम सही बंदे का अटेंडेंस कोड डाल दें, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए इसने 1 जुलाई को छुट्टी ली थी, 1 जुलाई को छुट्टी पे था, तो एक 1/1 सॉरी 7 और छुट्टी पे था, तो हमने यहाँ पे दे दिया ले। तो अभी क्या होना चाहिए कि इस डिस्ट में कि ये ऑटोमेटिकली 1 तारीख को लीव शो कर दे और बाकी सारे जगहों पे प्रेजेंट शो कर, ठीक है सर। मतलब कि हम सिर्फ अपने लीव वाले शीट में किस किस दिन छुट्टी था उसी का डेटा ऐड करेंगे, और सिस्टम क्या करेगा कि चेक करेगा कि पूजा मतलब एम्प्लॉय नंबर वन इस तारीख में अगर लीव में एक्टिव है तो उसका जो रिजल्ट जो अटेंडेंस है वो शो कर दे, नहीं तो क्या कर दे बाय डिफॉल्ट प्रेजेंट कर, ठीक है सर। तो इसके लिए सबसे पहले हम लीव वाले पे जाएंगे, यूनिक आईडी बनाएंगे जो कि एम्प्लॉय कोड, और यहाँ पे डेट को हमने डाल दिया और इसको नीचे तक हमने ड्रैग कर दिया। अब यहाँ वी लुकअप लगाते समय हमने इसको और
डेट को यहाँ पे कर देते हैं कॉमा, हम आते हैं लीव से, 2, 3, 4, 5 आपके 5.0 कर दिए, और फिर यहाँ इस एरर लगाए और हमने बोला कि जहां से वी लुकअप हमारा एरर देगा वहां पे कर दो पी, देखिए परजेंट, और फिर हमें इसको आगे बढ़ाना है तो हमें ए को फ्रीज करना होगा और इसमें हमें 6 को फ्रीज करना होगा और हमें ए एंड 6 को फ्रीज करना है, और फिर इसको नीचे आगे की तरफ पूरा में हमें ड्रैग कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन, यहाँ पे दिक्कत और भी आ रहा है कि जो सैटरडे संडे है उसमें भी आ गया, उसमें तो वीक ऑफ आना चाहिए ना, तो कुछ नहीं, इसके आगे हम यहाँ पे अब यहाँ पे कंडीशन ऐड करते जाएंगे कि इफ और अगर ए सैटरडे या ऊपर वाला इक्वल टू संडे है तो यहाँ पे वीक ऑफ शो करे, नहीं तो जो शो कर रहा है उसको शो करे, और फिर इसको आगे की तरफ ड्रैग कर देते हैं, नीचे ड्रैग किया तो क्यों नहीं हुआ, सॉरी हाँ हमने यहाँ पे 5 को फ्रीज नहीं किया, हमें 5 को फ्रीज करना होगा, ठीक है। छह तारीख को भी पीपी आ गए सर जी, 6 तारीख को पीपी आ गए, हाँ तो भी अभी हमने ये थोड़ी दिया है कि भाई ये हो तो माने कि क्या बोलते उसको, अच्छा सैटरडे संडे सिर्फ दिया है हमने, अभी कंडीशन okay. दिया ही ना, जब कंडीशन दूंगा तो भी पद बदलेगा ना क्या, अब उसको सपना थोड़ी आएगा, इसमें तो हॉलीडे कैसे समझाएंगे इसको, जैसे हमने सैटरडे संडे तो संडे को समझा दिया, बट हॉलीडे कैसे समझाएंगे अब, हमने कंडीशनल पार्टी होते हैं समझाया, हॉलीडे वो ग्रीन हाइलाइटेड से है ना, नहीं नहीं हमने सैटरडे संडे नहीं पी, अरे हॉलीडे में भी पी आ गया है ना, तो हमें वो भी अप्लाई करना पड़ेगा, ऑफिस कीप का ये लगाना पड़ेगा, लगा रहे हैं लगा रहे हैं, तो आप ध्यान अच्छा। तो सोचिए क्या हो सकता है इसमें, काउंट ही ऊपर लगाया था हमने ना, हेलो हाँ सर काउंट ही ऊपर लगाया था हमने, यहाँ काउंट ही लगाया था ना, तो यहाँ भी हमें सेम करना पड़ेगा, जो हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर यहाँ काउंट इफ लगा रखा है ना सर, दिख रहा है ना आपको, तो यहाँ पे पहले हमें सेम ऐसे करना होगा कि इफ काउंट इफ लगाया अगर उसका रिजल्ट ग्रेटर इक्वल टू 1 है तो उस दिन हॉलीडे होगा, तो इक्वल लगाएगा और फिर इसको हम आगे की तरफ जाएंगे, हो गए सर, यस सर, हेलो यस सर, हो गया, हो गया ना, इस तरह से आगे और भी चीजें कर सकते हैं, तो इससे क्या हुआ, इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ, इससे हमें क्या बेनिफिट हुआ, सर पूरे मंथ तक का में जितना भी हॉलीडे है एक साल का तो वो हमें पता चल जा रहा है, प्लस हमें
अटेंडेंस रिपोर्ट मिल जा रही है कि कौन सा बंदा किस किस दिन अभी क्या है कि है। अभी अब दो चीजें यहाँ पे देखिए, तो इसमें दो फायदा है। पहला फायदा कि अभी जो आप अटेंडेंस अगर मान लीजिए मैनुअली ऐसे बनाते हैं तो आपको हर महीने के लिए अलग अलग करना पड़ेगा, अलग अलग आपको रखना पड़ेगा, ठीक है ना। आप एक साथ कंबाइन नहीं कर सकते, बट यहाँ यू हैव चेंज द मंथ, योर रिपोर्ट विल बी, यहाँ पे आपका जो है डेटा विल बी अपीयर, क्योंकि आप यहाँ पे पूरे साल का अटेंडेंस रख सकते हैं। क्या सर? अटेंडेंस आपका रेडी हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि यहाँ अब आपकी डेटा एंट्री, अगर आप मैनुअली एंट्री करेंगे तो हर के लिए आपको 31 एंट्री करना होगा। मान लीजिए किसी दिन ऑफिस में बंदा छुट्टी ही नहीं, किसी बंदे ने छुट्टी नहीं मिला, सारा बंदा प्रेजेंट है, तो आपको अटेंडेंस लगाने की जरूरत ही नहीं। क्या जरूरत है संजा जी? जी सर। तो जरूरत है, मान लीजिए पूरा महीना का सारा बंदा अगर आपको ऑफिस आ रहा है तो आपको अटेंडेंस लगाने की जरूरत है सर? इसमें तो एक ही बार में डेट में सारे में हो जाएगा, डेट वहां पे खाली मंथ अलग अलग डालना है और फिर सारा में ऑटोमेटिक। यहां पे हमें ये डालना है ना जिसने छुट्टी की है। जी, डेली अटेंडेंस लगाने से बेटर ही लगेगा। जब इसमें नहीं डालेंगे तो यहाँ शो ही नहीं होगा, यहाँ पे नहीं शो होगा, तो हमें वहां पे अलग से ये करना पड़ेगा। नहीं नहीं मैं समझे कि अगर किसी मान लीजिए कि आप अप्रैल का डाल रहे हैं, अप्रैल में पूरा हर कोई प्रेजेंट था, अप्रैल में हर कोई क्या था? प्रेजेंट, प्रेजेंट में। जी यहाँ देखिए पूरा रिपोर्ट बन गई ना आपको सर। जी अब यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि हमें यहाँ पे देखने पड़ेंगे। यहाँ पे पी आ गया, दिख रहा है आपको सर? नो बोर्डर्स, इसको क्या हटा, इसको बोर्डर हटना ही था, 28 पे रखना था। अभी आ गया ना आपको 31 का, तो यहाँ आपको क्या करना होगा, यहाँ देखिए यहाँ लगाना होगा कि इफ ऊपर वाली वैल्यू उसकी ये है डेट अगर इक्वल टू स्पेस है, जो मैंने स्पेस दिया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ भी ब्लैंक आ जाए और फिर इसको आगे की तरफ पूरा लेके ड्रैग कर। सर तो E6 स्पेस कैसे हो जाएगा? E6 में तो हमारे पास पहला डेट ही लगेगा ना, जिससे कि सारा ऑटोमेटेड हो जाएगा। डेट नहीं है तो स्पेस ही है ना। अच्छा ना, यहाँ पे डेट नहीं है लेकिन फॉर्मूला तो लगा के स्पेस दे रहा है, पर काउंटिंग के चक्कर में हमने स्पेस कर दिया था, ब्लैंक बता दिया था। जी ठीक है जी। तो यहाँ पे अप्रैल का डेट नहीं डाला हुआ है लेकिन फिर भी अटेंडेंस परसेंट होगा। जी ठीक है सर, ठीक है सर। ऑटोमेशन ने क्या किया, इसको ऑटोमेट कर दिया, तो हमें जस्ट लीव की एंट्री करनी पड़ रही है। अब इसमें एक दिक्कत भी है कि फ्यूचर अटेंडेंस भी ले रहा है। अगर मैं सब देखता हूँ तो आज अगर तारीख मान लीजिए कितना है, आज तारीख 19 है, तो इसने फ्यूचर अटेंडेंस को भी काउंट कर लिया ना। तो यहाँ पे एक और कंडीशन आप बढ़ाइएगा कि इफ अगर लेस देन है टुडे, आज भी फॉर्मूला से, तो यहाँ पे ब्लैंक अगर भाई चल रहा है उसको चलने दीजिए, सॉरी लेस देन नहीं ग्रेटर देन करना होगा, हम उपलब्ध कर दिया, ठीक है। और E6 के 6 को फ्रीज कीजिए और पूरे में इसको ट्रैक कीजिए, गायब हो गया अटेंडेंस। इसी तरह से प्रेडिक्शन लगा सकते हैं यहाँ पे कि भाई डेट जो है अगर पुराना डेट का हुआ तो अटेंडेंस ब्लैंक होना चाहिए। मान लो किसी ने इसका 2015 का देख लिया, 2015 में कंपनी ओपन ही हुई, कंपनी 2020 में ओपन ही हुई है, इस तरह की वैलिडेशन आप लगा सकते हैं।
समझ में आ गया आप लोगों को? जी सर। अब इसमें आप लोगों को करना है कुछ काम। क्या काम करना है पूछेंगे? नहीं जी बताइए सर। पूछ लीजिए। अलग अलग तरीका कुछ अप्लाई करना पड़ेगा? नहीं, अब आप बच्चे नहीं रहे, चाहे वो बच्चों वाला काम नहीं, जैसे अपने बच्चा वाला काम नहीं है सर, इतना कंडीशंस है। अब आप बड़े हो गए, ठीक है ना, आप जो है अब बड़े हो गए हैं, तो बड़ों वाला काम करेंगे। मुझे यहाँ पे अटेंडेंस का पूरा समरी चाहिए, कि टोटल टोटल प्रेजेंट कितना है, टोटल लीव कितना है, वीक ऑफ कितना है, टेबल कितना हुआ, समझ में आया? नहीं सर, ये मेरा नेट चला गया था, आप जरा फिर से बताएंगे। मैं बोला कि आपको काउंट करना है कि जैसे डेट खत्म हो रहा है ना, जैसे यहाँ पे 31 खत्म हुआ, तो यहाँ पे बता दे कि टोटल प्रेजेंट कितना है। अच्छा। टोटल लीव्स कितने हैं, ओके, टेबल लीव्स कितने हैं, पे LWP लीव विदाउट पे कितना है, वीक ऑफ कितना है, होलीडे कितना है, और टोटल टेबल टेबल डेज कितने हैं, पैसा कितने में मिलने वाला है, और ये कैलकुलेशन करना है इस हिसाब से, ताकि अगर 28वां महीना है तो कैलकुलेशन 29 से शुरू हो जानी चाहिए, 29वां महीना है तो 29 से शुरू होना, 30 से शुरू होना चाहिए, 30वां महीना है तो 31 से शुरू होना चाहिए, और 31वां महीना है तो यहां से शुरू होना चाहिए। समझ गया कि नहीं? हाँ सर। तो ये फाइल आपको भेज देता हूँ, आप लोग शुरू कर देता हूँ। इसमें सर मतलब 31वां महीना है, 32वां महीना है, कैसे?